ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून को। सूर्य अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब यहाँ से निकल करके ये मिथुन में जाएंगे, तो कैसे अपना प्रभाव देंगे इसी वीडियो में आप लोगों से ट्रांजिट के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं सूर्य का राशि परिवर्तन बताने के पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बराबर वीडियोज को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपके लाइक्स मिलते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो बहुत उत्साह बढ़ता है। इसलिए जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। सूर्य के इस ट्रांजिट के ऊपर बताने के पहले मैं ये बता दूं कि जो सूर्य ग्रह है, ये सोलर सिस्टम का सेंटर वाला प्लैनेट है। बहुत ही सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसे सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं, तो जो हमारी ऑर्बिट है सोलर सिस्टम में, जो हमारे 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु, इन सभी का जो अस्तित्व है वो सूर्य की वजह से ही है। और सूर्य जो ग्रह है वो ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये कह लीजिए कि सूर्य जो है आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को दिखाता है, उसके डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसको दिखाता है, उसके अथॉरिटी को दिखाता है। और सोसाइटी में, समाज में जो भी लोग किसी भी तरह के अथॉरिटी से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं, करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर को के हों, उन सभी को दिखाता है सूर्य। ये हमारे शरीर में हड्डियों को दिखाता है, हमारे हृदय को का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य जो प्लैनेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है और इसका प्रभाव जो है सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर तो सारे प्लैनेट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं असमर्थ हैं अपना प्रभाव देने में। तो सूर्य जब वृषभ में थे तो अपने शत्रु की राशि में थे, अभी ये वहाँ से निकल करके मिथुन में आएंगे, तो मिथुन जो राशि होती है वो सूर्य की मित्र राशि है। मित्र राशि होने के कारण, और चूंकि काल पुरुष की जो पत्रिका है, जो हमारी नेचुरल जोड़ी हॉरोस्कोप होती है, वहां पर मिथुन की जो राशि होती है वो तृतीय भाव थर्ड हाउस को डिनोट करती है। तो तीसरा भाव जो होता है वो हमारा पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तो सूर्य जैसा प्लेनेट जब यहाँ पर आएगा तो ये ट्रांजिट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में सूर्य काफ़ी अच्छा अपना प्रभाव देते हैं। और योग चय भाव है तो भी यहाँ पे सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, अपने मित्र के घर में रहेंगे और साथ में ये यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के ट्रांजिट करेंगे, जो कि आद्रा रहेगा, पुनर्वसु रहेगा और सॉरी मृक्षा रहेगा, आद्रा और पुनर्वसु, इन 3 नक्षत्रों से होकर के सूर्य का ये ट्रांजिट रहेगा, जिसमें से आद्रा के 2 चरण रहेंगे और सॉरी मृक्षरा के 2 चरण रहेंगे, आद्रा के 4 रहेंगे और पुनर्वसु के 3 चरण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पर भी राहु बैठा होगा और जहाँ पर आपके मंगल बैठे होंगे और आपके गुरु बैठे होंगे, उन सारे भावों से मिल करके आपको एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और सभी लग्न और राशि वालों के लिए कुंडली में जहाँ पर भी सूर्य बैठे हुए होंगे, उसको इनडायरेक्टली वो मिथुन की एनर्जी के साथ में उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है प्रेजेंट में ये मिथुन राशि में हो रहा है। तो आप लोगों की कुंडली में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे मिथुन की राशि होगी, ट्रांजिट में सूर्य उस भाव से कनेक्शन बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या राशि और लग्न वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी, तो वीडियो को आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखेंगे तो परिणाम आपको काफी करीब और सटीक तक पता चल पाएगा। लग्न राशि जो आपकी कुंडली होती है, जो हॉरोस्कोप होता है, जहाँ पे लग्न चार्ट लिखा होता है, उसमें ऊपर जो सेंटर में नंबर रहता है बीच में, वो आपकी लग्न होती है। और आपकी कुंडली में जहाँ कहीं पर भी चंद्रमा लिखा हो, उस स्थान पर जो नंबर पड़ा होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो दोनों से ही मिला करके आप देखिएगा रिजल्ट को। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके थर्ड हाउस में हो रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जो भी आपका जिस भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं उस पर आपकी एक मेहनत बढ़ जाना, आपके अंदर काफ़ी करेज बढ़ जाएगा,
पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, जो प्रयास करने की टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसमें आप वृद्धि देखने को पाएंगे। क्योंकि सूर्य जो है आपके लिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में मूव करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी मजबूत कर देंगे, आपके बातचीत में आपके आपके जो वाणी है उसमें प्रभाव आ जाएगा, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके ऊपर भी इसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ एक रहेगी, चूँकि शुक्र सूर्य प्लैनेट है, तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा और अपने नेबर्स के साथ में अपने संबंध का ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वैचारिक मतभेद या वाद विवाद नहीं होना पाए होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जो मेष वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो आपके पिता हैं और जो आपके गुरु हैं, इन दोनों से संबंधित चीज़ों का भी आपको प्रभाव कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अपने पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको मजबूती देखने को मिलेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी आपके लिए। स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए, जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। तो द्वितीय भाव में ट्रांजिट होने का मतलब ये हुआ कि आपके कुटुंब स्थान में सूर्य आ रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य का आना आपके परिवार के अंदर थोड़ा सा आपको अपने वाणी के प्रति सावधान होकर के रहना है, क्योंकि कुटुंब का भाव है और यहाँ पर सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो भी बढ़ सकती है, तो आप अपने बोलचाल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी से ऐसी बातें नहीं करिएगा कि कोई अहम का टकराव हो। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित करेंगे, और ये मिथुन की राशि वहाँ पर होगी, तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें आपको एक लाभ के योग कराएंगे, धन से संबंधित जो इवेंट्स उसमें भी कहीं ना कहीं आपको धन लाभ के योग निर्मित करवा सकते हैं सूर्य, जो वृषभ वाले लोग हैं। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का आपको फ़ायदा हो जाए, ज़मीन है, लैंड है, इस तरह की चीज़ें आपको फ़ायदा हो, या अपनी मदर के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित हों, इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, जो भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ एक रहेगी कि आपको अपने वाणी का थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपनी आईज वगैरह का भी ध्यान रखिएगा, आँखों का, कि उसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने पाए। इसके बाद बात करते हैं मिथुन वालों के लिए, तो मिथुन के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लग्न स्थान पे हो रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, लग्न में ही सूर्य आ रहे हैं, तो लग्न में सूर्य के आने का मतलब ये हुआ कि आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड आपके लग्न में आ रहे हैं, पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, काफ़ी मेहनत करने के मूड में आप आ जाएंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे आप, मतलब कि मिथुन वालों का जो अभी तक टाइम पीरियड थोड़ा सा डल डल सा चल रहा था, उसमें आपको एक आत्मविश्वास, मजबूती, तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, तो आपको एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को एक काफ़ी मजबूत कर देंगे, तो जो लोग किसी भी तरह के सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज़ रहेगी, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसका आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि लग्न में बैठ करके सातवें भाव के ऊपर सीधे दृष्टि डालेंगे, तो आपके साथ जो जीवन साथी है उसके साथ में संबंधों में कहीं ना कहीं एक टकराहट ला सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल जो ये ट्रांजिट है मिथुन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि पराक्रम के मालिक होकर के लग्न में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, मेहनत आपकी बढ़ा देंगे और उस मेहनत के द्वारा आपको सक्सेस मिलेंगे, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित करेंगे। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए, देखिए कर्क के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस में सूर्य का आना ये किस तरह से आपको प्रभाव देगा, एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो धन भाव का स्वामी है वो जा रहा है खर्चे के भाव में, कहीं ना कहीं आपके लिए खर्चे की स्थितियां निर्मित होंगी, तो खर्चों को लेकर के थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के रहना है। अब ये भी हो सकता है कि ये खर्च आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो या आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, लेकिन खर्च जरूर आएगा, तो आप प्रयास करिएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जिससे अनावश्यक कोई हेल्थ के ऊपर नहीं खर्च होने पाए, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि द्वादश
ट्वेल्थ हाउस है ये, तो ये कुछ वाद विवाद भी दे सकता है। और खर्च की स्थितियां निर्मित करेगा तो प्रयास करेगा कि जो खर्चे हों वो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएं। दूसरा भाव है ना, दूसरे भाव के लॉर्ड होकर के जा रहे हैं द्वादश में, धन भाव का मालिक जो है द्वादश में जा रहा है, खर्चे के भाव में, व्यय के भाव में, हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में। तो खर्चे के योग जरूर देगा, लेकिन बारहवां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, तो आप प्रयास करिएगा कि जो खर्च होना ही है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाए, इस तरह के आप प्रयास करिएगा। इसी के साथ ये जरूर है कि जो भी आपका पहले से चला रहा कोई वाद विवाद होगा, किसी से कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा या कोई लीगल इश्यूज वगैरह चले आ रहे होंगे, तो वो सॉल्व होने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि द्वादश में बैठ कर सूर्य आपके छठे भाव को देखेंगे, तो जो भी आपके रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, उनको ये खत्म करने का काम करेंगे। इस दृष्टि से अच्छा है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कर्क वालों को, कि अपने खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहना है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 11th हाउस में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में सूर्य का गोचर काफी अच्छा परिणाम देता है। लग्नेश होकर के 11वें भाव में आ रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में आ रहे हैं। आपकी जो भी पेंडिंग विशेष होंगी वो कंप्लीट होंगी, धन लाभ के आपको योग निर्मित होंगे, हर एक तरह से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आपको अपने हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो भी लोग, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस ओर से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, धन लाभ के योग निर्मित होंगे। काफी अच्छा ट्रांजिट है सिंह वालों के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल जो ये टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है, पैसों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। बच्चों के साथ में आप थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलिएगा, बच्चों के साथ जो आपका बातचीत करने का तरीका है उसमें पोलाइटनेस रखिएगा, क्योंकि वहां पे बैठ करके वो आपके 5th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, तो अपनी वाणी का ख्याल रखिएगा। सूर्य इगोइस्ट प्लेनेट है, तो बच्चों से के ऊपर डायरेक्ट उसका प्रभाव जाएगा, तो बच्चों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जरूर है कि आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी। जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर काफी अच्छा है। धन आपको हर तरह से देने का प्रयास करेगा, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस देगा। ओवरऑल ये है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज में आपको वृद्धि के योग निर्मित होंगे। काफी अच्छा ट्रांजिट है ये सिंह वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो 10th हाउस में सूर्य आकर के आपके लिए क्या करेंगे, ये आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th में इनका ट्रांजिट हो रहा है। कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के भी योग दे सकते हैं ये, सडन कुछ किसी तरह का चेंज होना, दोनों तरह के पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं कि जो चेंजेस हो वो सडन से आपकी जॉब का चले जाना या किसी तरह का जॉब चेंज के योग बनाना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य चूंकि आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, सर्विस है, जो भी आप कर रहे हैं, जो आपके प्रोफेशन का जरिया है, उसमें आपको एक वृद्धि देने का योग ये जरूर करेंगे। चाहे आपके जॉब को चेंज करके दें या जिस जॉब में आप ऑलरेडी हैं उसी में आपको एक प्रोग्रेस का योग दिखाएंगे। तो कन्या वालों के लिए भी जो ये ट्रांजिट है सूर्य का, काफी अच्छा रहेगा। ये जरूर है कि आपको अपने परिवार के अंदरूनी चीजों के प्रति, जो फैमिली का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, वहां की चीजों के प्रति थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहना है। परिवार के सुख में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव या एक ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य दशा में बैठ करके आपके 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, तो वहां की चीजों में ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। मदर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह का आपका तनाव या वैचारिक मतभेद नहीं होने पर इन चीजों का ध्यान रखिएगा। परिवार के सुखों के प्रति आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। तो इस तरीके से जो ये ट्रांजिट है सूर्य का, मेष वालों के लिए, सिंह और कन्या, तीन राशियों लग्नों के लिए काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए वृद्धि के योग ही लेकर के आएंगे। बाकी वृषभ, मिथुन और जो कर्क वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट होगा कुल मिलाकर के, एक तरह से आप इसको औसत ट्रांजिट कह सकते हैं, एवरेज ट्रांजिट। लेकिन ये जरूर है कि मिथुन के लिए लग्न में है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ये बढ़ाने का काम करेंगे। रेमेडीज के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अपने सूर्य को मजबूत करिए। जिसका भी सूर्य अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो भी आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है तो भी आप मजबूत करिए। तो सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को जल चढ़ाना, स्पेशली जो संडे का दिन होता है,
उस दिन तो आप कम से कम सूर्य की पूजा जरूर करें या सूर्य के ऊपर अपना थोड़ा टेंशन दें, ध्यान दें। वैसे तो डेली ही करनी चाहिए पूजा। सूर्य को जल चढ़ाने से एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, अपनी आई साइट, आंखों की जो रोशनी होती है उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो जल दें सूर्य को तो बहुत ही अच्छा है। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। ये सारी चीज़ें करने से सूर्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप अपने पिता का, क्योंकि सूर्य जो है सीधे आपके पिता को दिखाता है, तो जो आपके फादर हैं उनसे अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखिए। जब पिता से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, तो सूर्य जो प्लैनेट है ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी चीज़ और भी है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया है सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव, ये तभी प्रभावी होगा जब आपकी कुंडली में, आपके प्रेजेंट टाइम में, महादशांतर प्रत्यंतर में सूर्य कहीं आ रहे होंगे, तब ये प्रभाव आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो ट्रांजिट का प्रभाव रहता है ये बड़ा नॉर्मल सा रिजल्ट दे करके चला जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। और दूसरा क्या है कि ये बहुत छोटा ट्रांजिट है, 1 महीने का रहता है। 15 को आएंगे यहाँ पर सूर्य, 15 जून को, और 1 महीने रहेंगे मिथुन में, उसके बाद ये निकल जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ओवरऑल सभी के लिए कहीं ना कहीं आपके ये आप लोगों को शुभता देने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य प्लैनेट है तो इनको राशि अच्छी मिली है। मिथुन की राशि में होने के कारण, अपने फ्रेंडली साइन में होने के कारण ये प्रभाव अच्छा देंगे। तो आगे आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।